हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज़ाद आईएएस एकेडमी। समान हिंदी अनिवार्य प्रश्न पत्र का आज ये पहला लेसन है और इस लेसन में हम लोग प्रारंभ करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग से ही शुरुआत करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से पूरे हिंदी ग्रामर, इसके बाद पत्र लेखन, फिर संक्षेपण का जो टॉपिक है और इसके अतिरिक्त निबंध के भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेन इशू है निबंध लेखन पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट विषय वस्तु पर चलेंगे। पहले हम लोग हिंदी को ही समाप्त करेंगे। तो हिंदी को शुरू से अंत तक पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज जो है उपसर्ग के टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। पिछले लेशन में हमने कोर्स ओवरव्यू देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और आज जो है हिंदी ग्रामर के अंतर्गत उपसर्ग का पहला लेशन, तो शुरू करते हैं। उपसर्ग के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी के साथ उपसर्ग का प्रारंभ करूंगा। एक दो लेशन और आएंगे उपसर्ग में और इसके बाद उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानते हैं कि उपसर्ग है क्या, ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है, जो किसी शब्द के सबसे प्रारंभ में लग करके उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या है, शब्द के बाद में लगते हैं। दोनों में यही भेद है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय उस शब्द के बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग में यदि हम उपसर्ग को दो भागों में बांटे तो उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। अर्थात उपसर्ग क्या करता है, किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और पहले लग करके उस शब्द में विशेषता ला देना या फिर उसमें एक उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, यही उपसर्ग है, ठीक है। चलिए उपसर्ग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पराक्रम है, ठीक है, इसमें पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत, सब में आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, कॉमन है परा शब्द, ठीक है, यानी कि परा उपसर्ग लग करके इन शब्दों के अर्थ को बदल रहा है। अब सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं मैंने तीन भागों में बांटा है, सबसे पहले प्रयोग, इसके बाद उपसर्ग कौन सा लगा है और फिर शब्द कौन सा था। तो सबसे पहले देखिए सदाचार, सदाचार में उपसर्ग कौन सा, सत उपसर्ग है, सत, ठीक है, और शब्द कौन सा था, आचार, तो सत शब्द आचार के आगे लग जाता है तो सदाचार बनता है, ठीक है, एक नया शब्द है। इसके बाद दुराचार, दुर और आचार दो शब्दों से मिलकर बना जिसमें दुर उपसर्ग है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होता है, अधि प्लस अक्ष इक्वल टू अध्यक्ष। पराजय की बात करें तो परा प्लस अजय दोनों मिलके पराजय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समादर, समादर सम प्लस आदर, ठीक है, ये दोनों मिलके समादर शब्द का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अत्युक्त, अत्युक्त का यदि हम लोग उपसर्ग में तोड़े तो अति धन उक्ति इक्वल टू अत्युक्त, इनको याद रखना है थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे, ये जो जैसे कि अध्यक्ष है अधि शब्द है यहाँ पर, इसी प्रकार से अत्युक्त में अति शब्द है। नेक्स्ट है निबंध, निबंध का है निधन बंध, ठीक है, परिजन, परिधन जन, उनतीस, उन धन तीस। अब देखिए जो पीसीएस एग्जाम होगा उसमें इसी तरीके से दिए होंगे उपसर्ग, आपको बताने होंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आपको उपसर्ग और शब्द दोनों को अलग अलग करके बताना होगा। और प्रयोग यदि जहाँ जहाँ पर उपसर्ग और शब्द से मिलाकर शब्द बनाना हो तो आप शब्द भी बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार है प्रतिधन उपकार, ठीक है। अनुशासन, अनुधन शासन से मिलके बना है अनुशासन। प्रख्यात, प्राधन ख्यात से बना है प्रख्यात। संरक्षण बना है समधन रक्षण से, ठीक है। इसी प्रकार अधखिला, अधखिला शब्द बना है अध धन खिला शब्द से। दुकाल जो है दू धन काल शब्द से मिलके बना है। अत्यधिक, अति धन अधिक से मिलके बना है अत्यधिक। अध्यक्ष, अधि धन अक्ष से मिलके बना है अध्यक्ष। उल्लास यानी उत धन लाश से मिलके बना है उल्लास। दुर्जन, दुर धन जन, दुर्जन, ये दोनों शब्द मिलके बने हैं। दुश्चरित्र, दुष धन चरित्र। निर्भय, नी धन भय से मिलके बना है निर्भय।
संतोष समधंतोष से मिलके बना है संतोष। इसी प्रकार से संहार शब्द मिलके बना है सम धन आर हार से। अभ्यास अविधन आज से मिलके बना है अभ्यास। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो है उपसर्ग थे। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा उपसर्ग के, इनको आपको एग्जैक्ट याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं। पीसीएस में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे, उपसर्ग और उसका प्रयोग मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, यूपीएससी और जो अन्य हिंदी भाषी पीसीएस हैं वहाँ पर उपसर्ग को यदि आप इस तरीके से देखेंगे तो चीज़ें आपके सही होंगी। आगे आने वाले लेसन में उपसर्ग करेंगे, ठीक है, फिर प्रत्यय करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं हम लोग क्रमशः करते जाएंगे। मैं कुछ ही समय बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा जो आजाद आईएएस एकेडमी का होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा और उससे जो है जो नोटिफिकेशन है जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ से आप तक पहुँचाता जाऊँगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आजाद आईएएस एकेडमी का जो प्लानर है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक पूरे प्लानर के तहत काम करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आजाद आईएएस एकेडमी में पढ़ाए जाएंगे और किस तरीके से किस दिन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसका एक एग्जैक्ट एक मंथ का प्लानर बनेगा और उस प्लानर के अंतर्गत चीज़ें कैसे कवर होंगी उन सब के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। तो बहुत जल्द प्लानर और व्हाट्सएप नंबर क्रिएट किया जाएगा जिसके अंतर्गत आपको जो है उसे जुड़ करके अपना जो भी हो उसके अंतर्गत आपकी कमेंट्स और बातचीत होती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।